आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। इंदौर में हत्याओं के दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं देर रात भवरकुआं थाना क्षेत्र की भावना नगर का है, जहां मामूली विवाद में एक व्यक्ति की अज्ञात लोगों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। भवरकुआं पुलिस ने मर्ग कायम कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजवाया। दरअसल पूरा मामला इंदौर के भवरकुआं थाना क्षेत्र के भावना नगर का है, जहां देर रात घर से खाना खाकर निकले राहुल को अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। वहीं मृतक राहुल मूल रूप से देवास का रहने वाला है और ऑटो चलाने का काम करता था। मृतक राहुल कुछ दिन पहले ही अपनी बहन के घर इंदौर के ऋषि पैलेस आया था। मृतक राहुल अपनी बहन के घर से देर रात खाना खाकर टहलने निकला है। टहलते समय अज्ञात बदमाशों से मृतक राहुल का विवाद हो गया था, जिसके बाद अज्ञात बदमाशों ने राहुल पर चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया था। राहुल को गंभीर रूप से घायल अवस्था में एक रिक्शा चालक उपचार के लिए MY अस्पताल लेकर पहुंचा था, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने राहुल को मृत घोषित कर दिया। वहीं पूरे मामले में भवरकुआं पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मृतक राहुल के परिजनों ने बताया कि राहुल पिछले साल ही हत्या के मामले में जेल से छूटा था। मृतक राहुल पर देवास में हुई हत्या के एक मामले में आरोपी था। पुलिस के अनुसार मृतक की हत्या संभवतः पुरानी रंजिश के चलते हुई है या मामूली विवाद के चलते हत्या की गई है। वहीं पुलिस ने आसपास लगी CCTV कैमरे की फुटेज भी खंगाल रही है, जिसके आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। हमको हमारे जीजा ने फोन लगा के बोला कि अपना जो राहुल है उसी को किसी ने चाकू मार दिए। फिर उसके बाद मैं वहाँ से 12 बजे रात को निकल गया, डायरेक्ट यहाँ अंदर आ गया था। तो भावना नगर कैसे पहुँचा ही तुम्हारा भाई? अब ये तो हमको नहीं पता सर, कैसा पहुँचा, चले गया घूमते फिरते। ये आया कहाँ पे सर? ये दीदी के यहाँ आया था। दीदी कहाँ रहती है? ये ऋषि पैलेस। तो भावना नगर कैसे पहुँचा कुछ पता नहीं चला? इसका कुछ पता नहीं, रहता था यहीं 1-1.5 साल से। बाकी अभी 4-5 दिन पहले घर चले गया था और घर से कल निकला था। क्या करता था ये? जीजा का ऑटो चलाते थे। ये थाना भवरकुआं क्षेत्र की घटना है। गोलू और राहुल पिता दिलीप, उम्र करीब 21 साल है और ये देवास का रहने वाला है। कल ये तकरीबन शाम को 5 बजे अपनी बहन जो ऋषि विहार कॉलोनी में रहती है उसके यहाँ आया था और बहन के यहाँ से ये जो है ना बोलकर निकला कि जो है मैं वापस आऊँगा। और तकरीबन 11:30 बजे इसकी बहन के रिश्तेदार के मोबाइल पर सूचना आई कि जो है ना ये घायल अवस्था में भावना नगर जो घटनास्थल है वहाँ पर पड़ा हुआ था और इसे जो ऑटो चालक है जिसने फ़ोन किया वो लेके इसे अस्पताल गया। पहले वो प्राइवेट अस्पताल गया और वहाँ से वो MY लेके गया, जहाँ पर डॉक्टरों से मृत घोषित किया।